अस्सलामुअलैकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हरी चटनी और लाल चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और हमारी चटनी बहुत ही खट्टी मीठी बनेगी। आप इसे नाश्ते में भी ले सकते हैं, साथ दाल चावल या खिचड़ी या ताहिरी किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक मुट्ठी के करीब धनिया और आधी मुट्ठी के करीब मैंने लिया है यहाँ पर पुदीना। साथ दो से तीन हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया और एक नींबू लिया है। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडर में डालेंगे धनिया और आधी क्वांटिटी में पुदीना डालकर हरी मिर्च इसके अंदर डाल देंगे। ये हरी मिर्च नॉर्मल है। एक चम्मच जीरा डालेंगे, आधे से आधा चम्मच नमक और आधा नींबू को अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे बीच हटाकर, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पानी आपने कम डालना है, पानी आधा कप डाल दें, या पानी अगर आपने मशीन में नहीं डालता तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालें। तो जी, हमने ग्राइंड कर ली है चटनी, से हम निकाल लेते हैं। तो हमारी चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही खट्टी मीठी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो दूसरी चटनी हम बनाएंगे लाल वाली। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक टमाटर को कट कर लिया, साथ मैंने एक प्याज ली थी। इसके साथ साथ मैंने लहसुन की कुछ जमे ली हैं और दो गोल मिर्च। अगर आपके पास गोल मिर्च नहीं है तो आप यहाँ कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो इसी जग में डाल दूँगी मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर और सारी चीज़ें। साथ डाल दूंगी आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी। इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो ग्राइंड करने के बाद हम लेंगे एक चम्मच चने की दाल, एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा और कुछ कड़ी पत्ते। एक फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे एक चम्मच के करीब और सारी चीज़ें डाल के हम हल्की आंच पे सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट। सॉटे करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सारी की सारी चटनी और इसे हल्की आँच पर हम इसे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये हमारी खट्टी मीठी और टेस्टी चटनी बनकर तैयार है, नॉर्मल, जिसमें मिर्चें और दोनों चटनियों में बिल्कुल भी मिर्चें नहीं हैं, दोनों चटनियाँ नॉर्मल हैं। तो जी, अब हम इसे फाइनल लुक की तरफ निकाल लेते हैं। तो जी, माशाल्लाह से हमारी लाल तीखी खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है और साथ हमारी हरी चटनी भी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ ही मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। आपकी दोस्त सना, अल्लाह हाफिज़।